Ladies and gentlemen, स्वागत है आपका हिंदी गेमर के ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज हम लोग खेल रहे हैं FIFA 18 इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच है, इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना। जी हाँ, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। इंडिया के साथ हम लोग पहला FIFA 18 का वीडियो बना रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, इट इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग। अर्जेंटीना मैंने इसीलिए चुना है बिकॉज मुझे उनका गेम प्ले बहुत पसंद है। मुझे आई लाइक द वे दे प्ले, उनका जो फुटबॉल खेलने का जो तरीका है, जो उनका एक स्टाइल है, जो एक फ्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगा कि इंडिया वर्सेस अर्जेंटीना मैंने पहले भी बनाया है, आई थिंक FIFA 14 के साथ। सो आई थॉट इट्स अ गुड इंटरनेशनल मैच टू स्टार्ट FIFA 18 विद। और देखिए यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन सेरेमनी देख रहे हैं, जो प्री मैच प्रेजेंटेशन जो होता है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने एक दो मैचेस खेल लिए हैं इंडिया के साथ इन FIFA 18, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया के प्लेयर्स बिल्कुल भी दे हैव नॉट बीन रिक्रिएटेड करेक्टली। जैसे कि हमारे कैप्टन जो है छेत्री साहब, जो है सुनील छेत्री, ही इज जस्ट नॉट लुकिंग लाइक सुनील छेत्री एट ऑल। कुछ और ही यू नो मॉडलिंग की गई है। इट्स ओके, मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन ओह यस, दैट्स अमेजिंग। फीफा को मैं मानता हूँ कि ये जो एंथम्स वो लोग बजाते हैं, नेशनल एंथम्स, जो एक स्निपेट देते हैं नेशनल एंथम्स का, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो प्री मैच प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है, वो जो जिस तरीके से दे हैव क्रिएटेड द क्राउड्स, द फ्लैग्स, द स्टेडियम, द एटमोसफियर, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, जो भी आप देखते हो, बहुत ही सही है। इट जस्ट एड्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग सॉकर ऑन योर कंसोल और पीसी। सो तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इंडिया के जो प्लेयर्स का जो मॉडलिंग किया गया है, इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, बहुत सही नहीं है, बट ठीक है, इनसे ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हूँ, एंड दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज इंडिया इज देयर आई एम हैप्पी। सो जैसे कि मैं कह रहा था कि इंडिया और अर्जेंटीना का जो गेम प्ले फुटेज जो रहेगा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है, बिकॉज कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इंडिया विल बी प्लेइंग अगेंस्ट अर्जेंटीना। फर्स्ट ट्राई हमारा सुनील छेत्री की तरफ से। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो अटैकिंग फॉर्मेशन मैंने रखा है यहाँ पे, आई हैव कैप्ट 3-4-3 फॉर्मेशन रखा हुआ है, डायमंड फॉर्मेशन ऑफ 3-4-3। तो इसका मतलब यह है कि जो चार मिडफील्डर्स है वो लोग दे आर इन अ डायमंड शेप, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के साथ दो विंग में रहेंगे और एक डिफेंसिव मिडफील्डर। तो ऐसा फॉर्मेशन जानबूझ के रखा है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना के अगेंस्ट या कोई भी बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर आपको जीतना है, तो डिफेंसिवली खेल के कोई भी पॉइंट नहीं है। यू हैव टू प्ले एग्रेसिवली, और एग्रेसिव खेलते हुए ही आप जीत सकते हो, दैट्स माय बिलीफ। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हो सके लायनेल मेसी को हम लोग बिल्कुल क्लैम्प डाउन कर दें, वी डोंट गिव हिम एनी स्पेस, बिकॉज वो सबसे डेंजरस है यहाँ पे। यहाँ पे उनका अच्छा मौका था अर्जेंटीना की तरफ से, थोड़ी सी मेरी गलती हो गई फ्रॉम द कीपर्स एंड पासिंग इट ऑन टू माय डिफेंडर, लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ बिग मिस्टेक। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्किल सेट्स है वो बहुत ही अलग है। वी आर नॉट अ हाईली रैंक्ड टीम इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। हम लोग एक स्टार है, हर बार मैं रोता हूँ रिगार्डिंग दिस, बट दैट्स अ फैक्ट, वी कांट चेंज इट, वी आर वन स्टार टीम इन FIFA। और इसीलिए जो मिसमैच हमको देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बिटवीन द प्लेयर्स, जब भी वन ऑन वन सिचुएशन होती है, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए हमारा गेम प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, पासिंग शुड बी आर बिगेस्ट एट्रीब्यूट। हमको फटाफट पासिस करने हैं, एक्यूरेट पासिस करने हैं, और अनफोर्स्ड एरर्स नहीं करने। हम रन्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, हम ज़्यादा रन्स नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रिलियंट मौका, और ये फर्स्ट गोल इंडिया की तरफ से। यही बात हम लोग अभी कर रहे थे, रन्स पे हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, हमें लाइक वेरी क्विक पासिस करने चाहिए। और यहाँ पे जो बिल्टअप हुआ है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिल्टअप। अभी हम लोग रिप्ले में देखेंगे। और ये जो प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था, जस्ट लुक एट द स्टेडियम, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और हर जगह पे भारत लिखा हुआ है, दैट इज़ दैट एड्स अ सेंस ऑफ पर्सनल टच।
यू नो जब आप इंडिया तो लिखोगे ही बिकॉज इट्स इंडिया होम दिखाया गया है, इट्स अ होम स्टेडियम फॉर अस, और लेकिन इंडिया के साथ साथ उन्होंने भारत भी लिखा है, जो इट जस्ट एड्स अ सेंस ऑफ यू नो पर्सनल टच, और इसीलिए द एम्बियंस जो क्रिएट होता है, जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है, उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसा मैं कह रहा था कि हम लोग ज़्यादा वी कैन नॉट रेस्ट अश्योर्ड ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, हमको टीम एफर्ट के साथ ही खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और मौका हो सकता है और एक और गोल, अर्जेंटीना डिफेंस एब्सोल्युटली शैम्बल्स में है, कोई भी उनके पास कोई भी डिफेंडर ऐसा था नहीं जिसने प्रेशर क्रिएट किया था सिंह पे, और सिंह बिल्कुल ओपन थे, वन टच एंड देन गोल। तो क्राउड को तो देखो, क्राउड पागल हो गई है पूरी तरह से, और शायद अर्जेंटीना से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। चेट्री का ब्यूटीफुल पास, इवन वन टच भी नहीं था, इट वाज जस्ट डायरेक्ट गोल, मुझे लगा कि देयर वाज अ टैप एंड देन अ किक, बट डायरेक्ट किक था। और ये देखिए बिल्कुल टॉप कॉर्नर में ब्यूटीफुल गोल, कीपर को कोई चांस नहीं, डिफेंडर्स ने उनको बहुत जगह दे दी थी, एब्सोल्युटली ओपन शॉट था, रिलेटिवली ईजी गोल था, अर्जेंटीना के खिलाफ इतना ईजी गोल होना नहीं चाहिए था, बट इट हैज़ बिन डन, इट हैज़ इन एग्जीक्यूटेड, 2-0 अप है हम लोग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अर्जेंटीना वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टीम, मुझे लगा था कि बहुत मुश्किल होने वाली है, बट यहाँ पे तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान लग रही है, बट यू नेवर नो, अर्जेंटीना कभी भी कमबैक कर सकती है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कमबैक हो सकता है, और यस ब्रिलियंट गोल अर्जेंटीना की तरफ से डी मरिया का, बिल्कुल पेनल्टी स्पॉट पे कहूंगा मैं, आ गए थे पेनल्टी स्पॉट के लेंथ पे तो आ ही गए थे, और उन्होंने बिल्कुल शानदार लेफ्ट ऑफ द गोलकीपर, इतना पावरफुल ब्लो किया कि देयर वाज नो चांस। देखिए बिल्कुल ओपन, बिल्कुल डिफेंस को हमारे कट कर दिया था उन्होंने, और एगुएरो ने शायद से पास किया था, और परफेक्ट पास, परफेक्ट शॉट, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, कीपर को कोई चांस नहीं, देयर वाज नो चांस व्हाटसोएवर। यहाँ पे बहुत खुश लग रहे हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अर्जेंटीना कभी भी कम बैक कर सकती है, और उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ की। बियर्ड, ये हमारा अनफोर्स्ड एरर, ये हमें अवॉइड करना है, वी डोंट नीड टू जस्ट गिव अवे द बॉल वेरी इजीली। और यहाँ पे बहुत ही वीक शॉट, ये शॉट से तो बीट नहीं होंगे हमारे कीपर, और गलत पास हो गया मेरी तरफ से, और यहाँ पे बहुत ही एम्बिशियस शॉट, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था, मेसी को आप थोड़ी सी भी अगर जगह दोगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, वो शॉट तो ज़रूर लेंगे, एंड इट वॉज आई वुडंट से इट्स अ बैड मिस, क्योंकि उधर चांस तो था, मौका तो ज़रूर था। यहाँ पे हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अटैकिंग करते रहे, वी डोंट नीड टू, हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, और ये यहाँ पे अच्छा हेडर, लेकिन डायरेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा और हम लोग को अंदर आना चाहिए था, एंड देन मे बी इट वुड हैव बीन अ जेन्युइन चांस। पर बहुत ही एक्साइटिंग मैचअप हो रहा है दोनों टीम्स के बीच में, काफ़ी काफ़ी अच्छे चांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, और दोनों टीम्स इट्स वन ऑन वन, ऐसा मुझे लग रहा है कि प्लेयर टू प्लेयर चल रहा है, और ये अच्छा ब्लॉक था डिफेंडर की तरफ से, ट्राई करते हैं यहाँ पे, ओ मुझे लगा था कि मौका क्रिएट हो सकता है, बट नहीं, कोई बात नहीं, और अर्जेंटीना आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू काउंटर अटैकिंग, और देखते हैं कि वो लोग काउंटर अटैक में क्या कर पाते हैं। ओ डी मरी, और ये अर्जेंटीना का बिल्कुल जैसे एक्सपेक्टेड था, अर्जेंटीना ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, पेरेज का ये गोल है, मुझे लगा था डी मरिया आ रहे हैं कटबैक के लिए, लेकिन पेरेज वहाँ पे थे, मौजूद थे, बहुत ही अच्छा कटबैक, और इजी गोल कहूँगा अर्जेंटीना के लिए, बिल्कुल सामने थे, इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट गोल एट ऑल, बिल्कुल सामने कीपर के, एंड नो चांस, क्योंकि कोई भी प्रेशर नहीं था उनका, डिफेंडर का कोई प्रेशर नहीं उनके ऊपर, तो बहुत ही आसान सा गोल है पेरेस की तरफ से। सो यहाँ पे 2-2 स्कोर हो चुका है, बहुत एक्साइटिंग मैचअप हो रहा है, इट्स फर्स्ट हाफ भी नहीं हुआ है अभी तक तो, और चार गोल्स हो चुके हैं,
और गेम प्ले की अगर हम लोग बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस है, और यहाँ पे एक मौका था हमारे पास लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए हम लोग। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि गेम प्ले इट्स मच मोर स्मूदर, मुझे लग रहा है फीफा 17 भी काफ़ी स्मूथ गेम था। मैं इतना नहीं खेला फीफा 16 मैंने काफ़ी खेल लिया, 17 में इतना नहीं खेल पाया, लेकिन फीफा 17 जितना भी मैंने खेला था इट फेल्ट वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले था। और यहाँ पे फीफा 18 पे एक अलग ही लेवल पे पहुँचा दिया है इन्होंने, बिल्कुल ही अलग ही लेवल पे पहुँच चुके हैं। फीफा 17 से बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं गेम प्ले में, इन टर्म्स ऑफ एक्शंस और इन टर्म्स ऑफ प्लेयर का जो मैनरिज्म्स होता है उन सब को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, बहुत ही एविडेंट है वो अभी। बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ पे, आई थिंक ऑटोमेंडी का वो शॉट था, आई एम नॉट श्योर। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि गेम प्ले वाइज इम्प्रूवमेंट्स है, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन विद इट। यहाँ पे मौका हो सकता था लेकिन मेरा शॉट शायद गलत हो गया, आई शुड हैव यूज्ड द चिप शॉट। मैं नॉर्मल पावर के लिए गया विद माई लेफ्ट फुट विच इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गर फुट, तो शॉट जो है वो बिल्कुल सही कनेक्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता है और बिल्कुल पोस्ट को लग के ये मौका था, इट वुड हैव बीन अ फैंटास्टिक गोल। मुझे ऐसा लगा था कि जर्मनी का जो गेम होता है, यूजुअली जर्मनी जैसा गेम खेलती है वैसा कुछ गेम हम लोग खेल रहे थे, कुछ पलों के लिए हम लोग वी वर प्लेइंग एज इफ वी वर जर्मनी, और बहुत मज़ा आ रहा था। जो पासिंग गेम प्ले होता है वैसा ही गेम प्ले हम लोग भी कर रहे थे। और यहाँ पे एक और मौका हो सकता है और एक और गोल, फैंटास्टिक गोल, शॉर्ट पास और एक ब्यूटीफुल एरियल चिप एंड एक परफेक्ट हेडर। कीपर बिल्कुल बीट हो चुके थे, कोई मौका नहीं था कीपर के पास। और भारत जो है वो अब 3-2 से आगे है अर्जेंटीना के, फर्स्ट हाफ भी नहीं हुआ है, हम लोग अभी तक 45 मिनट्स भी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं। दैट इज़ जस्ट अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम में। और ये देखिए बिल्कुल कीपर के पास कोई मौका नहीं, नो चांस। आई थिंक कि अर्जेंटीना जो है अभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगी और यहाँ पे हाफ टाइम और दे विल ट्राई टू मेक अ कमबैक, डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ कमबैक। अभी तो 45 मिनट्स ही हुए हैं, अभी तो पूरे के पूरे 45 मिनट्स बाकी है, पूरा हाफ हमारा बचा है और इतना एक्साइटिंग मैच होगा, हमारा पहला मैच है फीफा 18 में इंडिया के साथ, और वो भी इतना ज़्यादा एक्साइटिंग, मुझे लगा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। अर्जेंटीना का डिफेंस जो है आज बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आज ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अर्जेंटीना खेल रही है, इट्स जस्ट नॉट राइट नाउ। और यहाँ पे एक और मौका हो सकता था चेट्री का ये शॉट, लेकिन गोलकीपर डज हिज जॉब वेल, राइट लेग पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, देखिए राइट लेग, यस। और बहुत ही अच्छा मौका था, जो पास था वो आ नहीं पाया, बिल्कुल सही आ नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और मौका हो सकता था, नॉट बैड। ये सिंह का एक और एफर्ट हो सकता था लेकिन डिफेंडर वहाँ पे बिल्कुल सामने आ गए और कोई भी मौका हमें मिला नहीं। यहाँ पे देखते कुछ हो पाता है क्या, और आई थिंक दिस इज़ अ गोलकीपर्स बॉल, यस रोमेरो आ चुके हैं इजीली कलेक्टिंग द बॉल। आई थिंक इंजरी हो चुकी है हमारे एक प्लेयर को, इंडिया ने डिफेंस मैं कहूँगा कि बुरा नहीं किया, इट्स नॉट बीन रियली गुड, बट हम लोगों ने कुछ वी हैव नॉट मेड मेजर मिस्टेक्स इन आर डिफेंस। और ये अच्छा शॉट था, बहुत बाहर से था। और एक फीचर जो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा इज ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, तो आप क्विक सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, आप ये कॉन्फिगर करके रख सकते हैं कि मुझे कौन से सब्स्टिट्यूशंस करने हैं पूरे गेम में, और जैसे ही कोई ब्रेक आता है गेम में आपको RT दबा के आपको ऑप्शन मिलता है कि आप
सब्सटीट्यूशंस कर पाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट फीचर ऐड किया है, मुझे लगा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये फीचर। और ये व्हाट ए शॉट, ये बिल्कुल लेफ्ट पोस्ट को लग के अंदर, गोलकीपर का कोई भी चांस नहीं। लेफ्ट पोस्ट को जिस फोर्स के साथ लगा था, मुझे लगा था कि बाहर जाने वाला है शॉट, लेकिन फुल पावर था ये शॉट में और ब्यूटीफुल गोल। सिर्फ एक बार देखिए, ये एक थ्रू पास था और लाइक ऑन अ प्लेटर। सिंह का ये शॉट, कर्व भी बिल्कुल सही, गोल देखिए बिल्कुल गलत, कोई मौका ही नहीं गोलकीपर के पास, शायद एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ऐसा एक शॉट आएगा और हमें गोल का मौका मिलेगा। सो यहाँ पे 4-2 स्कोर है, ये स्कोर तो लाइक ड्रीम स्कोर मैं कहूँगा इसे, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन ऐसा हो सकता है, यू कैन नेवर स्टॉप बिलीविंग। इंडिया ये एक्चुअल में कभी तो कभी अचीव कर ही सकती है, इंडिया के अंदर बहुत सारा टैलेंट है बॉस, एंड वी शुड नेवर अंडरमाइन इंडियन पीपल। आई थिंक ऑफ साइड था, बिल्कुल। तो एक और क्विक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, मैंने लॉन्ग पासेस को इसीलिए अवॉइड किया है क्योंकि इंडियन प्लेयर्स हेडर्स और इन सब को लेकर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। सो यहाँ पे पोजेशन जो है वो इजीली चेंज हो सकता है इफ वी गो फॉर लॉन्ग पासेस, इसीलिए मैं लॉन्ग पासेस अवॉइड कर रहा हूँ, शॉर्ट पासेस का ही गेम प्ले चल रहा है हमारा, और उसी में हमारा भलाई भी है। वी हैव बीन रियली गुड विद द शॉर्ट पासेस, एक्यूरेसी हमारा अच्छा रहा है, सो नॉट बैड। ओह, और व्हाट अ सेव, व्हाट ए सेव, बिल्कुल सामने की तरफ से एफर्ट था, ये इजीली गोल हो सकता था, लेकिन बहुत ही अच्छा सेव था ये। कॉर्नर है अर्जेंटीना के पास, देखते हैं कुछ फायदा उठा सकते हैं क्या, कुछ मतलब का होता है। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा डिफेंडिंग यहाँ पे हमारी तरफ से, लेकिन अर्जेंटीना हमारे अटैकिंग हाफ में है, दे डू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखते हैं कुछ कर पाते हैं क्या, डी मरिया के पास बॉल, और यहाँ पे ओपन छोड़ दिया था हम लोग ने, गलत शॉट लेकिन रिगोनी की तरफ से, और ये रहेगा गोल, फेल्ड गोल अटेम्प्ट अर्जेंटीना की तरफ से। अभी हम लोग थोड़ा सा वी कैन बैक ऑफ चाहिए, तो हम लोग हाई प्रेशर जो मैं खेल रहा था, शायद हाई प्रेशर या पोजेशन में था मैं, क्विक सेटिंग्स जो हमको अवेलेबल है उसमें। और ये फैंटास्टिक एरियल थ्रू पास, देखते हैं यहाँ पे कुछ मौका हो सकता है क्या। ओह, लेकिन रोमेरो का बहुत ही अच्छा सेव, आई थिंक ये कीपर्स बॉल है, बहुत नजदीक था कीपर के, सो कुडंट कैपिटलाइज ऑन एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए रिगोनी का ये रन है विंग पे, देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं चांस तो मिला नहीं। फैंटास्टिक इंटरसेप्शन, अब हमारी बारी है विंग पे रन की। ओह, लेकिन गलत पास हो गया मेरे से, मैं एक थ्रू पास ट्राई कर रहा था, शुड हैव गॉन फॉर एन एरियल थ्रू पास। नॉर्मल थ्रू पास से पोजीशन जो है वो चेंज हो गया वहां पे। और यहाँ पे एक ब्रिलियंट एरियल थ्रू पास हो गया है हमारे से, देखते हैं यहाँ पे कुछ कर पाते क्या। व्हाट अ गोल, फैंटास्टिक, 5-2, 81st मिनट पे है हम लोग, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि अर्जेंटीना वुड गिव अ टफ फाइट, लेकिन यहाँ पे हेडर्स का मामला जो है वो बिल्कुल इंडिया ने डोमिनेट किया है। जे का ये गोल है और 5-2 स्कोर लाइन, आई मीन कौन विश्वास करेगा इस पे, कौन इस पे भरोसा कर सकता है। प्रोफेशनल डिफिकल्टी में हूँ मैं, आई एम नॉट इन लोअर डिफिकल्टी सेटिंग, प्रोफेशनल डिफिकल्टी में खेल रहा हूँ मैं, विच इज़ अ स्टैंडर्ड सेटिंग FIFA 18, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ओ माई गॉड
जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक वरदान उनको दे दिया है हम लोग ने, डी मरिया को एक वरदान, बिल्कुल मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लीजिए। मैं चाह रहा था कि पीछे के डिफेंडर को नहीं, आगे के डिफेंडर को मैं वो पास दूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बिकॉज पास का जो स्ट्रेंथ था वो कम था, वो डी मरिया के बिल्कुल झोली में एक गोल मिल गया उनको। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग कि जो भी इसमें हो रहा है ना इस मैच में, इट इज़ मेकिंग इट एक्साइटिंग बिल्कुल। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग ऐसे छोड़ नहीं रहे हैं, हम हर एक चीज़ कर रहे हैं। ओन गोल था नियरली, मैं तो कहूँगा ये डी मरिया वाला, तो 5 गोल्स हम लोग ने स्कोर किए हैं और बिल्कुल फैंटास्टिक क्रॉसिंग, फैंटास्टिक हेडर्स और पावरफुल शॉट्स, इन सब का एक मेल है इस पर्टिकुलर मैच में। ओ ये शायद नहीं मिलेगा हम लोग को मौका, ऑटोमेंडी वहां पे थे प्रेजेंट। 3 मिनट ऐड होने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फायदा है क्योंकि ये मैच तो हम लोग पक्का जीत रहे हैं। ये एक और गोल हो सकता है, यस। अरे हमारे कप्तान कैसे पीछे रह सकते हैं, जब सबने इतने गोल मार दिए तो कप्तान भी तो कुछ ना कुछ तो मारेंगे ही। और चेकरी साहब का जो ये ब्रिलियंट गोल था, अर्जेंटीना अगर इतना बुरा खेल सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अटैकिंग में इतना वो लोग फंसे हुए थे कि डिफेंडर्स वर नॉट इन पोजीशन एट ऑल। ये देखिए 2 डिफेंडर्स थे वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, चेट्री ने बिल्कुल बीच में से जाके गोल स्कोर किया है, राइट बॉटम में जो पावरफुल शॉट दिया है, ये शायद से गोलकीपर बचा सकता था। आई डोंट थिंक सो ये एफर्ट जस्टिफाई करता है रोमेरो की तरफ से, शायद से गोलकीपर अगर थोड़े से और बेटर पोजीशन में होते तो ये गोल नहीं होना चाहिए था, बट लेकिन पावरफुल शॉट था और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी थी। और ये जो इंसान है वो चेट्री की तरफ दिख नहीं रहा है, पर फिर भी हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि यही चेट्री साहब है हमारे। और ये फुल टाइम इंडिया ने बिल्कुल आसानी से बीट किया है अर्जेंटीना को। स्कोर लाइन देख के तो कोई विश्वास नहीं रख सकता कि 6-3 का स्कोर लाइन है और अर्जेंटीना के प्लेयर्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे रोने पे आ चुके हैं, रुला दिया है उनको इंडियन प्लेयर्स ने। एब्सोल्युटली दिस इज अ मैच, दिस इज अ स्पोर्ट, बहुत मज़ा आया मुझे तो ये गेम खेलते हुए। इट वॉज अ फैंटास्टिक गेम फॉर अस, हर एक टाइप का गोल हुआ है, हर एक टाइप का गेम प्ले हमको देखने को मिला है और कुछ गलतियाँ हम लोग के एंड से भी हुई है, लेकिन नो प्रॉब्लम, इट वॉज अ फन एक्साइटिंग एंटरटेनिंग मैचअप। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी कहना है ना वो आप इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो वीडियोस बने उसमें भी आप कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐड करें आपके खुद के, और ये आप सजेशंस भी दे सकते हो कि कौन से मैचेस आप देखना चाहते हो, इंडिया वर्सेस विच टीम, वो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये था हिंदी गेमर, वाई दिस गेम नाउ।